गौ आदर्श खेती को लेकर अब लोग सचेत होते जा रहे हैं, जागरूक होते जा रहे हैं। इसी के तहत साथी गांव के समीप गौ आदर्श खेती को जो है तैयार किया जा रहा है, जिसका आरएसएस और गौ संवर्धन के तत्वाधान में इसका कार्य चल रहा है। संघ के पदाधिकारी रमाकांत उपाध्याय ने अपनी टीम के साथ जैविक और गौ आदर्श खेती का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि लोग अब जो केमिकल रूपी जहर का सेवन कर रहे हैं, उससे अगर बचना है, बीमारियों से बचना है, तो गौ आदर्श खेती को अमल में लाएं। उन्होंने कहा कि कम लागत में अच्छी उपजाऊ और लाभदायक उत्पादन होगा, जिससे लोग निरोगी रह पाएंगे और स्वास्थ्य लाभ भी मिलेगा। तो ये यहाँ पर गन्ना है, सहजन है, पपीता है, उधर पीछे पपीता खड़ा हुआ है, और ये केला है, ऐसे बहुत सारी धनिया है, एक 25-30 फसलें लगभग इस खेती में बहुफसली इस आधार पर हो रही हैं। और ये जो है हम लोग इस जिले के अंदर पूरे जिले का एक केंद्र खड़ा किया है यहाँ पर। इसको किसान आएंगे, देखेंगे, जो आज जहर से हम लोग मर रहे हैं और जहर खा के सारे लोग बीमार हो रहे हैं, कैंसर हो रहे हैं, इन सारी बीमारियों का और इन सारी समस्याओं का निदान केवल और केवल गौ आधारित खेती, इससे अच्छा अन्न पैदा होगा, जहर मुक्त खेती होगी, वो हम लोग खाएंगे तो हम लोग बच पाएंगे। और आगे हमारे यहाँ अखिल भारतीय स्तर के अधिकारी भी आए हैं, बाहर से कार्यकर्ता आए हैं, ये सब देखने के लिए आए हैं कि कैसे मॉडल यहाँ तैयार किया गया है। तो हम लोग पूरे ऐसे ही प्रांत के अंदर इस तरह की जगह जगह हमने मॉडल खड़े किए हैं, फिरोजाबाद के लिए यहाँ सब लोग आएं और देखें और ऐसी खेती किसान अपने खेती में करें। कोई खर्चा नहीं है इसमें, DAP नहीं लगानी पड़ती, यूरिया नहीं लगानी पड़ती, ऐसा अपना ये काम गौ आधारित खेती इस तरह का बिना पेस्टिसाइड के, बिना जहर के ये फसलें तैयार हो रही हैं। ऐसी फसलें पूरे जिले के अंदर तैयार हों, सारे लोग खुशहाल होंगे, बीमारी से मुक्त होंगे, ऐसा अपना ये काम, ये यहाँ मॉडल खड़ा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, साक्षी न्यूज़, फिरोजाबाद।